ये हमें लिया है एक छोटा पैकेट ओट्स का, नमक स्वाद अनुसार, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, जीरा, राई, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक प्याज बारीक कटा हुआ, दो छोटी हरी मिर्चें ऑप्शनल हैं, कुछ कड़ी पत्ता के पत्ते। यहाँ मैंने लिया है कटा हुआ धनिया, बटर ये ऑप्शनल है, आप इसके जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 250 ml वाटर पानी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच बटर। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाला है ताकि बटर है जले ना, और बटर का थोड़ा सा मेल्ट कर रही है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ राई के दाने, कुछ जीरा, और हम डालेंगे एक करी पत्ता, इसको अच्छे से पका लेंगे, 1 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, और इसको अच्छे से मिला लेंगे एक बार। और हम इसमें डालेंगे ओट्स, इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। दो मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है, और जो मैंने पानी लिया था वो मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, तो अब हम इसमें गरम पानी डालेंगे। इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। अब आप देख सकते हैं इसका पानी कम होते जा रहा है, तो हमें इसे पूरी तरह से ड्राई करना है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि पानी पूरा निकल जाए उसके बाद ही मैं इसमें मैगी मसाला डालूंगी। मैं पहले बताना भूल गई थी, बट थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हम इसमें मैगी मसाला ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको दूसरी कोई और रेसिपी देखनी है तो मैं वो ज़रूर बनाऊँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो ओट्स का उपमा है वो ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। और आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, और डिटेल रेसिपी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना जैसे कि ना आप देख भूलें। सकते हैं हमारा वेजिटेबल ओट्स उपमा रेडी है खाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।